Hey, यो बड़ी सब बदमाशियां, कैसे हो आप सारे? आई होप आप सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, चौकस होगा, बढ़िया बेहतरीन पैसे होगा, बिल्कुल तुम्हारे अपने भाई की तरह। आज मेरे को जाना है GGS कॉलेज में NSP के पास, तो अभी मैं हो चुका हूँ थोड़ा सा लेट इस टाइम पे, क्योंकि अभी मेरे को खाना खाना है और उसके बाद मेरे को निकलना है निमिष को लेकर आने के लिए, क्योंकि और कोई दोस्त जा नहीं रहा मेरे साथ, क्योंकि वो सारे बिजी पड़े हैं इस टाइम पे। मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी इसमें दिखेगा नहीं, वैसे ही होता तो फ्लैश ऑन हो रखी है, बट मैं रेडी हो चुका हूँ, वैसे देख लो ठीक है। अब मैं जाने लगा हूँ खाना खाते। मम्मी बना दिया है, ज़्यादा बना दिए, आप दो ही बनाई रखो बस, मेरे को तीन मत दो। नहीं 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 मैं बहुत लेट हो गया, मैं दो भी इतना बड़े बड़े मुश्किल से ही खा पाऊंगा। कोई नहीं, हल्के हल्के हैं, कोई बात नहीं, मैं दो बहुत है मेरे लिए। चटनी हरी वाली नहीं है? हरी वाली भी है, हरी दे दो बस। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ और निमिष भी आ चुका है। निमिष के फ्रेंड ने भी आना था वैसे तो, पर पता नहीं आया कि नहीं आया, बट निमिष ही दिख रहा है सिर्फ अभी तो। तेरे दोस्त ने नहीं आना था? नहीं यार, वो लेट चला गया। कोई चक्कर नहीं, कैसे मेरी जान, ठीक है तू? तो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड, अब हमने गाड़ी पार्क कर दी, अब हम निकलने लगे सबसे मिलने के लिए, चलते हैं। चलो लेट्स गो। कैसे भाई? डायरेक्ट एंट्री लेनी है, क्या हाल है भाई? चलो कैसे हो रहे? सुन चल चल, बहुत सही, बहुत बढ़िया, चलो डायरेक्ट आ, बहुत ही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। हाय कैसे हो? ठीक हो? तो एंट्रेंस पे 4 बजे लगा। कैसे हो रहे भाई? ठीक हो? बहुत अभी फोटो सेशन वगैरह सब हो चुका है, अभी उसके बाद शायद मेरा नंबर है, पहले याया बूट वाला है, उसके बाद मेरा नंबर है, फिर मौज करेंगे। अभी हमारी बारी आने वाली है। ऐसे यार देखो, तुमने सस्पेंस फील कर दिया भाई, भाई मुझे पता ही लगा कि नाउ प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जादू गिल, गिव इट अप गाइस। भाई मेरी बारी में गाड़ी पे है, पहुंचो तेरे पर मैं हूं क्या? जादू गिल सचिगा जी, सारे आने पहला था कितना सारे और I came across to you, I asked you, can we have a picture together? This gentleman, actually we had a good 10-15 minutes of conversation almost 5 years back from today. And that was the very first memory I had of you. So the kind of a humble nature, humble demeanor you have, I mean this is something incredible and amazing. Give it up guys, give it up, yes! आप सब वो तभी तो यार यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वैसे मैं खुद तो कभी कॉलेज गया नहीं, पर आप लोगों ने बुला ली तो मुझे अच्छा लग रहा है। And one more information about him that हमारी टीम यानी कि हमारी जो यू नो क्लब की टीम है, जब भी आपको कॉल करते हैं भाई का जवाब एक ही आता है, यार मैं सुबह से अभी सो रहा था, 5 बजे उठा और अब बताओ हाउ कैन आई हेल्प यू, इज दैट सो? सो यू स्लीप फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इवनिंग, यू वेक अप ऑलमोस्ट इन द नाइट? बिल्कुल भाई, ऐसा सीन है हमारे साथ, क्या होता है कि जो आर्टिस्ट लाइफ होती है ना, वो सारी जो होती है वो रात को उठने वाली होती है। अच्छा, हम सुबह सोते हैं तो इसलिए हमारे गाने वगैरह भी बनाने होते हैं, कुछ भी करना होता है, ब्लॉग के लिए भी कहीं जाना होता है ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ बाहर रात को ही निकलूं, कि मजा आता, थोड़ा खाली खुली रहता है ना माहौल थोड़ा, इस चक्कर में। एक आदमी अपनी मन पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है, और उस वीडियो में आप मेकअप करा रहे थे। मेकअप नहीं था वो स्किन केयर कहते हैं यार उसे, मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया स्किन केयर क्या होता है, मेरे को तो ये भी नहीं पता था लोशन ये होता है वो होता है, मैं तो एक ही क्रीम लगाता हूँ भाई। सवाल मेरा ये है, उसमें उस वीडियो में महिला का चेहरा नहीं दिखा, और सारी चीजें मैं सर्च करता था वो महिला कौन थी, देखिए ये जनता का क्वेश्चन है कि वो वीडियो में कौन था। मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। यस, ऑल द गर्ल्स, ही इज नॉट सिंगल। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बार इंस्टा पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं,
how, I mean, you are as a person, as an individual, and how it is different from what we see on Insta or on social media. तो जो भी व्लॉग्स में आपको दिखता है ना, जो मैं आपको दिखता हूँ व्लॉग्स में, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रील रूल बना लिया करो यार। गाने पे सुनते हो गाने? हाँ या ना, मुझे जवाब दो। फिर आखिर में तीन गाने गाने रहूंगा, एक बार अभी हो जाए, आखिर में एक साथ तीन करेंगे, एक बार अभी हो जाए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं दस दिन से परहेज कर रहा हूँ अपने लिए, ठीक है, कि मेरा नाक अभी भी बंद है। मैं तबीयत खराब में था, पर मेरे को इतना पता था कि 29 को यहाँ आने, मैंने स्टीम ले ली भाई, मैं स्ट्रेपसिल खा के परेशान हो गया, चेस्ट एंड कोल्ड लिखाता रहा पूरा टाइम, और अब जाके थोड़ा सही हुआ, तो थोड़ी सी गुंजाइश कर देना मेरी अगर आवाज थोड़ी लगे ऐसा, ठीक है ना, चलेगा फुल पावर? पहले लड़कियों के लिए गाना गा लेगा, ठीक है। अभी थोड़ी सी लाइन सुना दूंगा, नीतू रानी मेला दी चले दस के दाहो बढ़ गए नी सुंदरा तेरे साडे मेले कानू रिड़की जानी है नी पाके पानी विच मधानी असी जोगी जंगला दे ते सुंदरा तू मेला दी रानी। So, अभी आपको मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जी पाजी, अभी क्या सीन चल रहा है, अभी सिर्फ गानों पे फोकस है प्रॉपर, मतलब व्लॉगिंग भी मैंने बहुत ही कम कर दी है इस चक्कर में। लाइक डेढ़ दो साल पहले लिखना चालू कर रहा, उससे पहले मैं कवर्स ही गा रहा था, जैसे उन्होंने बोला था कि आप रानी मेलन ऐसी, मैंने आजकल वाला भी गाया था, वो सबने सुना होगा ये। चौधिया ने ना सौधिया ने कोई आया दीपकिया, ये वाला था सबसे ज्यादा वायरल गाना। उसके बाद रानी मेला, उसके बाद प्यार नहीं करती, मेरा जो प्यार नहीं करती, सुने किसी ने? सुना है ना, अगला गाना वही गाऊंगा, क्योंकि एक बार चिल्ला लो भाई को बता दो, एक बार सुने नहीं सुना और ये अपकमिंग प्रोजेक्ट की जैसे बात कर रहे थे, तो मैं कुछ भी कर देता हूँ जब दिमाग चलता है ना, तो मैं दौड़ाने का ध्यान ज्यादा रखता हूँ कि जब चल रहा है लिख दो। मेरे पास हमेशा फोन खुला रहता है मेरा, और वॉइस रिकॉर्डर ऑन रहता है उसके अंदर, कि मैं कॉम्पोजिशन खुद बनाता हूँ, मैं लिखता खुद हूँ, कॉम्पो खुद बनाता हूँ। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैंने अगस्त में लिखा हुआ था गाना, पिछले अगस्त में लिखा हुआ था, और मैंने भंडदार थोड़ा सा, और भाई दारू सेहत के लिए हानिकारक है, कोई नहीं पिएगा, ठीक है टीचर सॉरी। तो कोई नहीं, बात मानते तेरे पिछले कितने साल में कटते, और कितना करा तेरा इंतजार में, तेरे घर दा मैं करा तेरी गलना, मैंने तेरे ते उन्हीं हो एतबार में, तेरे सुपने उड़ीक दराता कर दी, क्यों नहीं तू मैनू प्यार नहीं कर दी।
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. बोर नहीं करूंगा, एक दो सवाल ही पूछूंगा उसके बाद ओवर टू यू जी. वन सेकंड, आप सब बोर हो रहे हो क्या? हाँ कह रहे हैं. गाने सुनने हैं क्या? गाने सुनने हैं क्या? I'll ask just one more question followed by him. Okay. So, I mean, have you done any formal training of singing? कुछ formal training हुई है आपकी? कुछ भी नहीं हुआ. कुछ भी नहीं हुआ. बस प्रैक्टिस करी अपने यहाँ जितनी करी है सुर की. अभी आज से दो साल पहले तो मैं इतने थे भी नहीं सुर. कैसे हो सब? बढ़िया. दो अखियां देखो रेंदी है निशान सवेरे नी मनु तेरी लो रेंदी है नी रात लनेरे पाई अखियां दे विच तेरे अखनी साडा दिल तोड़े लुट के ही ले ली. थैंक यू सो मच. हाँ जी क्या साहब आजकल में भाई. बहुत मजा आया मेरे को तो. जनवर इतना मजा आया ना. एंड में तो दिल खुश हो गया जब सबने फ्लैश लाइट ऑन कर ली. मैं तो ऐसा हो गया ओए बल्ले यही चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए. अब जल्दी जल्दी शोज करें. अभी भाई बहुत भीड़ लग चुकी है मेरे सेट के बाद बाहर. तो अभी हम सारा सेटल डाउन कर रहे हैं. मेरे को निकलना है इसके बाद बस फटाफट से. अभी वही यही चल रहा है प्लान अब की बस जल्दी जल्दी निकलें और निकालें. गाड़ी निमिष लेने गया हुआ है मेरी एक बार बट अब देखते हैं क्या सीन चलता है. हाँ भाई यार
जस्ट रन अप। ये सब बाहर खड़े हुए थे भाई इस टाइम पे। बाय बाय, बहुत अच्छा लगा भाई आप सबने बुलाया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना प्यार दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय कर देते एक बार ब्लॉग के लिए। बाय 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 बाय, ध्यान रखो, ठीक है, बाय 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 बाय। एक भाई ने मुझे ये रिंग दी है गिफ्ट, ये पहन के रखूंगा हमेशा मैं। एंड थैंक यू सो मच निमिश भाई, और थैंक यू सो मच भाई आपने जो भी करा मेरे लिए, अभी व्लॉग व्लू भी बनाया इन्होंने, बनाया सारा कुछ, और इन्होंने पूरा साथ दिया है मेरा हर चीज़ में। गाड़ी भी निमिश ही लेके आया था, क्योंकि मेरे को तो लेके जाने भी नहीं देते हो नीचे पर। थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू, तेरे को फुल पावर है।